Good morning everyone, yes beta today we are going to start a new poem 8 Poem number 8, The Little Elf Okay, The Little Elf, this is a poem and we are going to read today Elf, what do you mean by elf? Elf kya hai, beta? Elf are small creatures with magical powers ठीक है एल्फ क्या होते हैं स्मॉल स्मॉल क्रिएचर होते हैं जिनके पास मैजिकल पार्स होती हैं मीन्स जादुई शक्ति होती हैं जिनके पास ठीक है नाउ हैव यू रीड अबाउट सॉरी हैव यू रेड अबाउट फेरीज एल्प्स एंड नॉम्स इन फेरी टेल्स आपने कभी फेरीज के बारे में रीड किया बेटा कोई स्टोरीज आपने रीड की हूँ फेरीज़ के बारे में एल्प्स के बारे में नॉम्स के बारे में होती हैं ना परियों की कहानियाँ ठीक है जिसके अंदर आपने कभी स्टडी की है अब आज मैम आपको एक पोएम रीड कराएंगी। इफ़ यू आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू मीट अ मैजिकल क्रिएचर विच करेक्टर वुड यू लाइक टू मीट अगर आपको कोई एक अपॉर्चुनिटी दी जाए कुछ भी आपको एक चांस दिया जाए कि आप जाकर मिलें मैजिकल क्रिएचर में से तो आप किससे मिलेंगे जाके लुक जी एन ओ एम ई बेटा इसको हम ग्लोम नहीं पढ़ते हैं जी की साउंड ग होती है लेकिन जी इज साइलेंट है सो वी विल रीड दिस नोम नोम से मिलेंगे जाइंट एल्फ फेयरी विच पिक्सी ओके okay. इन सब में से आप किससे मिलेंगे मैम का तो मन है मैम को तो कोई भी मिल जाए मैम तो किसी से किसी से भी मिल लेंगी नॉर्म से भी मिल सकती हैं जॉइंट से भी वैसे जॉइंट होगा बहुत डरावना सा राक्षस ठीक है उससे तो मिलने का शायद मन ना करे तो मैम ने तो क्रॉस कर दिया है अब आप देखना आपका किससे मिलने का मन है एल्फ से फेयरी से विच से विच से भी मैम का मिलने का मन नहीं है विच क्या होती है चुड़ैल मैम उससे भी नहीं मिलेंगी पिक्सी से मैम बाकी सबसे मिलेंगी नॉम से भी मिलेंगी एल्फ से भी मिलेंगी फेयरी से भी और पिक्सी से भी मैम जाइंट से नहीं मिलेंगी और मैम विच से नहीं मिलेंगी अब आपका जिससे मिलने का मन हो आप उस पर टिक करेंगे ओके यस नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर पॉम नाउ यस वेट हैव यू एवर सीन एन एल्फ हैव यू Ever seen an elf? आपने कभी एल्फ देखा है What do they look like? कैसे दिखते हैं वो अभी मैम ने आपको बताया हमने देखा नहीं है लेकिन कैसे होते हैं स्मॉल क्रिएचर्स होते हैं स्मॉल बिल्कुल छोटे से लेकिन उनके पास मैजिकल पावर्स होती हैं जैसे परियां छोटी सी हैं लेकिन उनके पास जादुई शक्ति हैं लेटस रीड अ पॉम अबाउट अ गर्ल हु मीट्स एन एल्फ इन गार्डन गर्ल एक गर्ल है जो एल्फ से मिली अपने गार्डन में ठीक है अब देखते हैं गार्डन में मिली तो क्या हुआ द लिटल एल्फ द नेम ऑफ पॉम इज द लिटिल लिटल एल्फ मैन वंस एक बार मुझे कौन मिला लिटल एल्फ मैन डाउन वेयर द सनफ्लावर्स ब्लो डाउन कहाँ मिला जहाँ पर सनफ्लायर्स सन फ्लावर्स होते हैं सूरजमुखी के फूल ब्लो कर रहे थे मीन्स हवा चल रही थी और फूल जो थे सनफ्लावर्स थे हिल रहे थे उसके नीचे मैंने किसे देखा मैं किससे मिली अस्मॉल एल्फ मैन लिटल एल्फ मैन आई आस्ट हिम मैंने उससे पूछा वाई ही वॉज सो स्मॉल कि वो इतना छोटा क्यों है ठीक है उसने क्या पूछा गर् वाई ही सो स्मॉल एंड वाई ही डिडन्ट ग्रो और तुम क्यों नहीं बढ़ रहे वह क्यों नहीं बढ़ रहा उसने पूछा कि तुम इतने स्मॉल क्यों हो और तुम इतने ग्रो क्यों नहीं कर रहे ही slightly frowned, slightly frowned, उसने थोड़ा सा उसे गुस्सा आया उसने अपनी आंखें चोरी की और उसको गुस्से से देखा एंड विद हिज डार्क आइज जो मैम ने अभी आपको बताया उसने अपनी आंखें चोरी की और गुस्से में उस गर्ल को देखा लुक मी थ्रो एंड थ्रो ठीक है एम क्वाइट इसको आई एम पढ़ते हैं एम क्वाइट एज बिग फॉर मी सैड ही वो कहता है कि मैं बड़ा हूँ मेरे लिए मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ और मैं बड़ा हूँ मेरे लिए ठीक है एज़ यू आर बिग फॉर यू जैसे तुम अपने लिए बड़ी हो ठीक है जो बोने होते हैं ना उसमें भी तो बड़े होते हैं जो बोने वो तो बेटा एक पूरी एक प्रजाति हो गई बोनों की उसमें वो कहता है कि मैं जैसा हूँ मैं बड़ा हूँ अपने लिए जैसे तुम अपने लिए बड़ी हो ओके okay? अब हु हैज़ रिटन दिस पोम जॉन कैंड्रिक बैंक्स किसने लिखी है ये पोम पोएम बेटा आजकल हम पोएम पहले हम पोएम बोलते थे ना नाउ वी आर स्पीकिंग पोम जॉन कैंड्रिक बैंक्स इन्होंने इस पोम को राइट किया है पोम को लिखा है ओके नाउ व्हाट यू विल डू यू विल रीड दिस पोएम